नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे YouTube चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। जैसा कि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज और टॉपिक्स आते हैं, मैं उनसे ही रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि क्रोशिया का ओपन वर्क परमिट क्या होता है और ओपन वर्क परमिट पे आपको क्या क्रोशिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है सर। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। जैसा कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है, अरे कहना क्या चाहते हो, कहते हैं क्रोशिया के अंदर जो आप ओपन वर्क परमिट लेके जाते हैं तो इसको आप समझिए कि ये जॉबलेस परमिट है, ठीक है। इसमें आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी सर, आपको क्रोशिया जाके आपकी जॉब को आपके ट्रेड के हिसाब से सर्च करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है आपको 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना भी लग सकता है सर। और इन 3 महीनों के अंदर जो भी आपका अकोमोडेशन का चार्ज होगा, आपका फूड का चार्ज होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको ही वहन करना है, ठीक है सर। इसमें आपको कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी एजेंसी आपको कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी। तो अच्छा, हमको सिखा रहा है। ओपन वर्क परमिट में जो आपको TRC बनाकर दी जाएगी वो 3 मंथ्स की रहेगी, ठीक है सर। तो इस TRC के बेस पे आप क्रोशिया के अंदर आपका जो ट्रेड है आप उसमें आपकी जॉब सर्च कर सकते हैं। देखिए, ओपन वर्क परमिट का सबसे ज्यादा यूज उन लोगों के लिए है या उन मेरे भाइयों के लिए है जो कि क्रोशिया में काम नहीं करना चाहते। उनका केवल मकसद ही क्रोशिया में एंट्री करना है, यानी शेनेगन जोन में आपको कहीं पे भी मूव होना है। जैसे किसी को इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी या कहीं पे भी मूव होना है, 26-27 कंट्रीज में जो भी आपको मूव होना है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी आप अगर क्रोशिया में ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई भी रिलेटिव रहता है तभी आप ओपन वर्क परमिट लेके जाना क्रोशिया, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी सर। क्योंकि आपको जाते से ही आपका अकोमोडेशन का खर्चा, आपका फूड का एक्सपेंसेस और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको ही उठाना है। यानी ओपन वर्क परमिट में जितना भी खर्चा है वो आपका लगेगा। फाइनल में सजेशन है कि किसी को अगर क्रोशिया में ही जॉब करना है तो वो ओपन वर्क परमिट लेके नहीं जाए, वो एम्प्लॉयर बेस्ड वर्क परमिट लेके जाए, यानी यहीं से आपकी जॉब को सिक्योर करके जाए। जो भी उसका ट्रेड है, यानी इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, फूड डिलीवरी में है या कारपेंटर है, जो भी उसका ट्रेड है, कुक है, शेफ है, किचन हेल्पर है, जो भी उसका ट्रेड है, तो वो उस ट्रेड का ही वर्क परमिट लेके जाए तो उसको बहुत इजी रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको एम्प्लॉयर आपको TRC भी बना के देता है, आपको फूड भी देता है, आपको अकोमोडेशन भी लेता है, आपका टैक्स भी भरता है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेस जाते हैं क्रोशिया के अंदर। तो ये मेरा जो वीडियो था, मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही थी, मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप इससे भी रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए। तो करते हैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।